असलकम आपके इस चैनल टी जी एस ए गेमिंग स्टोर पर वन सेकैन आपको खुश आमदीद कहते हैं आज हम फिर आपके लिए एक लाए हैं एक ज़बरदस्त किस्म की प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये फर्स्ट प्लेयर ब्रांड की जानब से एक गेमिंग पी सी केस है फायर डांसिंग इसका मॉडल है वी टू ए तो फर्स्ट प्लेयर की प्रोडक्ट्स जैसा कि आप जानते हैं कि काफ़ी अच्छी और मैारी कन्सिडर की जाती हैं तो आज हम आपके लिए इस गेमिंग पीसी केस की अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू लाए तो चलिए बढ़ते हैं इसके कुछ हाइलाइटेड फ़ीचर्स पे नज़र डालते हैं तो ये है जी फर्स्ट प्लेयर फायर डांसिंग वी टू ए जो कि एक मिट टावर केस है तो बॉक्स केस जानप देखते हैं तो यहाँ पर फायर डांसिंग वी टू ए प्लेयर गेमिंग केस लिखा हुआ है और यहाँ पर जिक्र जो चीज़ है वो इसकी प्रोडक्ट की डायमेंशनस हैं जो कि 340 फोर्टी बाई वन नाइनटी बाई फोर फोटी सेवन एम एम है और जो इसका नेट वेट है वो 4.3 किलोग्राम है जिससे आप इसकी बिल्ड स्ट्रक्चर का अंदाज़ा कर सकते हैं कि इसकी जो शीट की थिकनेस है वो किस हद तक अच्छी होने वाली है तो कुछ और इसके हाईलाइट फ़ीचर पर नज़र डालते हैं तो जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि ये एक मिड टावर एटी केस है जिसके साइड पे टेम्पर्ड ग्लास पैनल मौजूद है एंड आई होप सो कि शायद इसके फ्रंट पे भी टेम्पर्ड ग्लास मौजूद है लेकिन चलिए इसको अनबॉक्स करते हैं और फिर देखते हैं ये इसके क्या क्या फ़ीचर्स हैं कितने आर जी हैं या स्ट्रिप हैं या वट इज़ देयर इनसाइड तो ये है जी हमारे पास फर्स्ट प्लेयर की गेमिंग केस वी और चलिए इसकी नकाब कु कोशाही करते हैं गुड बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं कि तीन ए आर जी बी फैंस मौजूद हैं फ्रंट पे टेम्पर्ड ग्लास पैनल मौजूद है और इसकी इस साइड पे भी टेम्पर्ड ग्लास पैनल मौजूद है पावर सप्लाई श्राउड भी मौजूद है और यहाँ पे जो है वो टेम्पर्ड ग्लास लिखा गया है फ़ोर्थ ए आर जी बी फैंस आप यहाँ पे सामने जो है वो देख सकते हैं जिसका फोर्थ ए आर जी बी फैन है और तीन जो है वो इसके फ्रंट पे ये ए आर जी बी फैंस हैं जो कि सेंटर से भी इनफेक्ट ब्लैक नहीं है बल्कि ये एक इंतहाई खूबसूरत लुक जो है वो प्रोवाइड करते हैं और इस केसिंग की वन इट्स ऑपरेशन लुक जो है वो आपको दिखाई जाएगी और इस केसिंग को अगर हम टॉप से देखते हैं तो यहाँ पर ये एक मैग्नेटिक डस्ट फिल्टर मौजूद है डेडिकेटेड एल ई डी बटन मौजूद है यहाँ पर रीस्टार्ट स्विच है पावर ऑन ऑफ है इसके अलावा आडियो जैक्स हैं यू एस बी टू की स्पोर्ट मौजूद है और यहाँ पर ये यू एस बी थ्री की स्पोर्ट भी मौजूद है तो यहाँ पर टॉप पे जो टू फोर्टी एल लिक्विड कूलर है ये भी आप माउंट कर सकते हैं और इसके अंदर अब आपको इसको ओपन करके दिखाते हैं तो इससे पहले कि इस केसिंग को हम ओपन करें और आपको दिखाएँ तो इसकी बॉटम साइड से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेंटिलेशन के लिए जो है वो इसमें पावर सप्लाई को वेंटिलेट करने के लिए ये होल्स जो है वो मौजूद हैं जबकि ये जो एरिया है आई थिंक सो दिस इज़ फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ हार्ड डिस्क ड्राइव और यहाँ पे ये जो चार पॉड्स हैं इसके अंदर इसके साथ नॉन स्लिप रबड़ जो है वो मौजूद है अब हम इसकी टेम्पर्ड ग्लास जो साइड पैनल है उसको उतारते हैं तो यहाँ पे आप फ्रंट पे फर्स्ट प्लेयर ब्रांडिंग के साथ ये तीन जो है वो एर जी बी फैन देख सकते हैं फ्रंट पे ये बॉटम में भी फर्स्ट प्लेयर की ब्रांडिंग की गई है और इसके साथ जो है वो चार सिक्र्यूज़ की मदद से आप इसको डिस्प्लेस कर सकते हैं फ्रंट ग्लास को तो ये हैं जी फ्रंट तीन ए आर जी बी फैंस और चौथा यार जी फैन जो है वो ये आपके सामने एग्जॉस्ट मौजूद है और ये एग्जॉस्ट जो है वो फ्रंट वाले तीन फैंस के साथ सिंक्रोनाइज़ होकर जो है ये वर्क करते हैं और इसका एयर इनटेक भी काफ़ी अच्छा है ये है इसकी बैक पैनल लुक यहाँ पे वही एग्जॉस्ट फैन बैक साइड से आप देख सकते हैं ये जो है वो इसके तमाम नट बोल्ट सिक्र्यूज़ वगैरह विच आर रिक्वायर्ड फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ मदरबोर्ड और वट एवर आर दसरीज़ वो यहाँ पे मौजूद हैं और ये इसका बैक पैनल है ये पावर सप्लाई का एरिया है जहाँ पे आप जो है ये छोटे छोटे माउंट देख सकते हैं जिससे पावर सप्लाई को ये अपनी सरफेस से ऊपर उठा के रखेगा जिसकी वजह से हीट डिसिपेशन जो है वो काफ़ी अच्छी होगी तो ये हैं जी वो तीन ए आर जी बी फैन जो फ्रंट पे लगे हुए हैं ये आपको अंदर से दिखाए जा रहे हैं इसको आप देख सकते हैं कि इसके सेंटर में जो ब्लेड हैं इसके वो भी ट्रांसपेरेंट है जिसकी वजह से एक फुल कलर इफ़ेक्ट जो है वो इनके अंदर भी आपको फील होगा अलॉन्ग साइड द रिंग और ये आप इसकी तमाम तर वायरिंग देख सकते हैं जिसके अंदर डिफरेंट कनेक्शंस ये पावर कनेक्टर्स वगैरह देख सकते हैं यू एस बी थ्री है पावर स्विच है एच डी स्विच है और ये जो है वो मदरबोर्ड के साथ सिंक्रोनाइज़ करने के लिए इन फैंस को जैसे कि टोल्ड अर्लियर ये ए आर जी बी हैं उनको सिंक्रोनाइज़ करने के लिए ये हैडर जो है वो भी मौजूद है और यहाँ पे पावर सप्लाई श्राउड होने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके अंदर आपकी तमाम तर जो केबलिंग है वायरिंग है वो कंसील हो जाती है और ये जो है वो देखने में हर बुरा नहीं लगता तो बहुत ही रिजनेबल प्राइस के अंदर ये फर्स्ट प्लेयर की जानब से चार ए आर जी बी फैंस के साथ आप ऐसे कह सकते हैं क्योंकि ये मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन जो है वो आपके पास मौजूद है और अब आपको दिखा देते हैं इसका लेफ़्ट साइड पैनल तो ये इसकी सॉलिड मेटेलिक शीट है और ये काफ़ी जो है वो बेहतर वज़नी फील हो रही है जिसका मतलब ये है कि इसकी जो थिकनेस है ये इसकी जो गेज है वो काफ़ी अच्छी है और इसके ऊपर पेंट क्वालिटी जो है वो भी काफ़ी अच्छी है सिंस इट्स फ्राम फर्स्ट प्लेयर और ये बड़े ब्रांड की जानब से प्रोडक्ट है इस वजह से ये हर लिहाज से एक मोस्ट सूटेबल ऑप्शन जो है वो बजट रेंज के अंदर है और इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि के यह किसिंग जो है ये हमारी वेबसाइट द केमिक स्टोर डॉट पी के पे आपको ईजीली अवेलेबल हो सकती है और अगर आप चाहें तो वहाँ से ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं मोर यह ये है कि हम आपको पाकिस्तान के किसी भी शहर के अंदर इन तमाम गेमिंग पी सी कम्पोनेंट्स और गेमिंग पी सी बिल्ड्स की जो डिलीवरी है वो करवा सकते हैं और हमारे पास डिलीवरी ऑप्शंस भी मौजूद हैं और जाने से पहले अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और मज़ीद इस तरह की अपकमिंग वीडियोज़ के लिए जो इंशाल्लाह इस चैनल पे आती रहेंगी अगर आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एनी वेज थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो थैंक्स फॉर योर टाइम स्टेबलेस्ट अल्लाह हाफिज़